नाम मिले ताजीवान, नानक नाम मिले ताजीवान, नाम मिले ताजीवान, नानक नाम मिले ताजीवान, नाम मिले ताजीवान, नानक नाम मिले ताजीवान, नाम मिले ताजीवान, नानक नाम पाओ दूर बांटो सब जन का।
पूर्ण जी सतनाम श्री वाहगुरु एक ओंकार वाहगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाह श्री भगवती जी की पातशाह दसवीं आवत के नैना राखी
हर के सेवक जो
Thank you.
संसार है पर तमाशा अर निर्तर मन ही ताकि कछु न कानी रे राजा प्रजा समकर मारे ऐसो काल विडर सच है इस नाम नाल जुड़े उन हरि परमात्मा आप निवास रहा है उन्हां दी झोली विच बख्शिशा पाउंदा है जो मैं अंदर दरबार में आया माता जी की फोटो देखी का जो माता हरजिंदर कौर जी तो तुमने अक्सर देखा होना है किसी के घर में जाओ जिथे गुरुआं पीरां दीआं फोटोआं जिते असं जाके बैठना होंगे बजुर्ग दोटो के उत्ते हार पाया होंगे जो कोई प्रकार का मेम्बर किसी काम की शुरुआत करे कोई घर में खुशी आए कुछ चले जाते हैं जिमें वो सची मुची वेख रहे हो ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਗਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਲਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਤੇ ਭੁੱਗਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੂੰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਫੌਜਾਂ ਹਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਖਣਾ ਰਾਣੇ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖਦੀ ਪਰ ਰਾਣਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕੇਵਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਇਹ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਨੀ ਪੈਣੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਬਰ ਸਾਰੇ ਜਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਣੀ ਸ਼ਾਮ ਬਿਪਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਰਾਹਗੀਰ ਥੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆਰਾਂ ਨੇ Thank you.
माता पिता दे आज्ञा का जड़ा चढ़ती कला दे जीवन वर्ष पर बेटा वा सेवा दर प्रवान करनिया कदम पे मेरे जिला मिले आप दिदा नाम दिता वे लालक नाम चढ़ती कला तेरे पाड़े सरबता भला काल के सब सिकल को गुरु ग्रंथ जी बाने ਜੋ ਕੇ ਗਏ ਸੋ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
और ना एक बड़ी कामयाब जिंदगी जीवी। बड़ी यंग एज विच इस परिवार के मैंबर पॉइंट के नाते ताई दे जीवन साथी पांच साल उन्होंने इस परिवार के विचों ताई के तीन छोटे भरा दौड़ी तौर पर नहीं बल्कि तिने बेटिया की तरह मिले क्योंकि उन्होंने उम्र बड़ी छोटी सी। वे सरदार गुरबीर सिंह 10-11 साल, सर बख्तियार सिंह 5-6 साल, सर सुरजीत सिंह 2-3 साल, उन्होंने भी उन्होंने माता के रूप के पूरा साथ दिता, उन्होंने अपनी पालिया, उन्होंने बड़े किया, अपनी सास ने पूरी मदद की परिवार को पालन के भावे दुनियावी तौर पर उन्होंने जिंदगी के इकलौती औलाद सरदार बरजिंदर सिंह के रूप जो बड़ी यंग एज सानू सब को विछोड़ा दे गए, उन्होंने रूप इकलौती औलाद सी उन्हों की, पर असलियत दूजे तिने भरावान की औलाद भी उन्होंने अपनी औलाद सी। यही कारण सी कि वह सारे बच्चे जिन्हों की वह ताई की लागी सी, ताई जी की बजाय उन्होंने बीबी कहते सी, मां के रूप च सारों मिली। ये कहने असी सारे लोग स्टेजा के उत्ते ब्याहां दे समय च बीबियां नूं समझाउण दे लई इह तुहाडी मां है सस, ते ससां नूं सिक्ख्या दित्ती जांदी है कि तुसीं बतौर मां बण के रहना है। इह दुनिया दीआं गल्लां ने, पर जो असलियत है उह साडी इह सत्कार जो ताई जी हरजिंदर कौर ने असलियत जामा पड़ा के साढ़े सामने दिखाई कि उन्होंने अपनी इकलौती नूं दे रूप च नहीं बल्कि सारी उम्र बेटी का रूप रख के अपने परिवार के विच रहे। इसे तरह इत्थे ही बस नहीं, सारे परिवार दी जो अगलिया पीढ़ियां ने वह भी इन्हां नूं उस तरह ही अपनी मां का रूप देंदे रहे, ते वह भी बच्चों नूं उस तरीके का सारिआं नूं संभालते रहे। ते उन्हां ते परिवार के मैंबरां ने भी कोई घट नहीं कीती, जद हुण उन्हां नूं भावें कोई बीमारी नहीं सी खास दुनियावी तौर पर, पर क्योंकि एज 90 दे दुआले पहुंच गई सी, बुढ़ापा ही एक बीमारी का रूप लै लैंदा है, तां इस समय के दौरान समुचे सेखों परिवार ने खास करके उन्हां दे जो बेटियां दे रूप दे विच नौ अते नौ दियां का दो बेटियां साहिबजीत कौर ते बलजीत कौर ते दोनां पोते रहा इंद्रिकवाल ते गोरेकवाल ने जिस तरह सेवा की, जिस तरह उन्होंने फुला पाक रखिया, उसकी मिसाल आम परिवार च नहीं मिलती, सिर्फ इत्थे देखण नूं मिली। अजे ही माता का चलिया जाना एक बहुत बड़ा घाटा जो नहीं पूरा जा सकता, कदे उन्होंने घाट नहीं पूरी हो सकती। इसलिए इस समय से मैं अपने वालों तुसी आके साडे इस परिवार का दुख जो पिया उन्हों कटाया, सारिया ने दुख बंडाए तो कट जाता, तुसी कटाया, इसलिए तुहाडा सब का परिवार ने इस दुख शामिल होने लई कोट कोट बहुत बहुत धन्यवाद।
अंत विच मैं परमात्मा के यही बेनती करूंगा कि हे परमात्मा साडे इस दुर्लभ मां जो साथ सदा ले चले गए ने उन्होंने अपने चरणों च नवास देना ते पिछे पूरे परिवार नूं पाणा मनण दा बल बख्शना। इन्ना कहिंदा होया मैं साडे विच हाजर ने बहुत शख्सियतां जिन्हां विचों साडे इत्थे साडे मैंबर पार्लीमेंट सर रमणीत सिंह जी मिट्टू भी ने, मैं सर होर भी बहुत सारे पगा जी बैठे ने, प्रधान जी गुरुद्वारा दुखन निवारण साहब दे बैठे ने, होर बहुत सारिया शख्सियतां ने। मैं सब तो पहला गुरुद्वारा दुखन साहब के पाप प्रधान सरदार प्रितपाल जी नूं बेनती करूंगा कि इस समय ते अपने शब्दां दे गुरबेट करन। साहब प्रितपाल सिंह जी प्रधान गुरुद्वारा दुखन निवारण साहब। सरदार हरभजन सिंह जी स्वर्ग जीए उन्होंने धर्म स्वतनी सत्कारयोग माता हरिंदर कौर जी की अंतम अरदास जी कतरे गुरु प्यारी साहब संग जी गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। शेखों परिवार बारे आप परिवार जानू हाँ, ये परिवार काफ़ी लड़ ला के इस काम अगर तोरद आया, काफ़ी लम्बा समा उन्होंने मेरे साथ दवाया। अज आप सारे उन्होंने अंतम अरदासी कर रहे हैं। मेरे तो पहला कि सब ने सत्कारयोग माता जी बारे बहुत दसिया। दास भी काफ़ी लंबे समय तो तकरीबन 40 साल तो इस परिवार का जुड़िया है और इन्हों मां के रूप में मैं अपना दर्जा दिता रहा हाँ, क्योंकि मेरा घर सौरव परिवार का घर नाल होते नाते जो भी आवाना इन्हों के परिवार को लस्सी चाह पानी छक के जाना और बड़े सत्कार इन्होंने प्यार देना और माता का चले जाना इस परिवार से बहुत बड़ा घटा है। मेरे तो पहला इन्होंने गिल साहब ने बड़ा कुछ दसिया। केवल से केवल आप सारे संगति रूप देव सज्जन शीशड़िया जो हुबेर साहब जो मेल आप सारे ने सतगुरु के चरणों की अरदास की है। सचे पातशाह उस मां को इस संसार की विचरते हाँ जाने जाने कोई बोलो भी हो नचता हाँ सदीवी कर अपने चरणों से नवास पहुंचा। पिछे इस परिवार को समुचे शेखा परिवार को चढ़ती कला लैके देश कौम की सेवा करता बल बख्शना। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आदमी जी साथ संगत वाहेगुरु जी का खालसा जी वाहेगुरु जी की फतेह। अज आप सारे साढ़े बहुत ही सारे ने सत्कार योग माता सजिंदर कौर मां के अंतिम अरदास जुड़े हैं। सारे उन्होंने रिश्तेदार खास तौर से बहुत ही सत्कार योग सरदार हरभजन सिंह होने उन्होंने नाल जुड़े हुए सारे इस इलाके तो मैं देख रहा सारी वक्त वक्त पार्टियां तो वक्त वक्त समाजिक जथेबंदियां सारिया ही नजर इस मौके हाजिर ने। मेरा छोटा भी खास तौर पर लिखी थी देखो मैं समझदा इस परिवार का बहुत बड़ा नाम जिमें कि गल की लापरा जी सुखदेव सिंह लापरा जी प्रधान बने ने हुणी असीं गल करदे सी क्योंकि सरदार हरभजन सिंह हुणा दी बहुत खास तौर पर कांग्रेस पार्टी लई बहुत वड्डी सेवा सी, बहुत लंबी सेवा सी।
बहुत मुख्यमंत्रियों नाल चाहे सरदार दरबारा सिंह जी की गल की जाए चाहे शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह जी उन्हां नाल लगातार इस जिले के प्रधान रहे ते प्रधान के तौर पर इस समाज में इस जिले में उन्हां दी बहुत वड्डी देन है। सियासी बंदे दे क्योंकि उसका समा समाज सेवा च लगता तो पिछे बहुत बड़ा हादसा आ गया हमेशा माता जी का मैं समझदा वो पिछे घर नूं सामना परिवार नूं बच्चियां नूं सामना परिवार नूं दुगनी जिम्मेवारी है जिहड़ी वो माता जी ने निभाई ते बाकी परिवार ने हमेशा समाज सेवा लई लोगों के कामों लई प्रेरित किया। मैं अपने वालों भी अपनी पार्टी वालों जिथे उन्होंने श्रद्धा के फुल भेंट करते हैं ते सारिया ने आप अरदास की है गुरु महाराज ने चरणा समाज सुरक्षण ते पिछे खास तौर पर सारे परिवार को खास तौर विक्की सिखों जी को परमात्मा शक्ति बख्शे जो इन्होंने बजुर्ग रास्ता दिखा के गए या सेवा का वो सेवा इस तरीके करते रह क्योंकि बहुत बड़ा नौ आना बहुत बड़ी बाकी पिछे परिवार से हम जिम्मेवारी है भी वो जिम्मेवारी नवाया जाए ते सच्ची परिवार वालों मैं सदा श्रद्धा भी है उस तरीके ना सारा परिवार आ जिहड़ा तुसीं जुड़ बैठे हो उसनों परिवार नूं कट्ठे रखण इस तरीके ना अपनी मैं कदे उस समाज दे विच ये अपने बखेरदे रहण इन्ने शब्दां नाल ही मैं किसी होर उत्ते जाना सी बाकी बुलारे अपने शब्दों के फुल भेंट करेंगे मैं अपने वालों इन्हें शब्दों का उन्होंने शब्दों के फुल भेंट करता हो आप देखते मान लिया वाहगुरु जी का खालसा श्री वाहगुरु जी माछीवाड़े तो बप्पू कूलर जी बुढ़ेवाल तो सरदार प्रीत सिंह सरपंच साढ़े अकाली दल के लीडर सरदार गुरदीप सिंह जी गुजार और मैं गुरुद्वारा साहब वालों दोनों गोरे Thank you.